अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या वाकई इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाने में 4 लाख रुपया लगा है, या 4 करोड़, या फिर इससे भी ज़ायद। मेरे इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। अब बाकी बात करते हैं। वेलकम, क्लियर नहीं आ रहा गाड़ी, इन्होंने 200 की स्पीड पे रखी हुई है। ये हम भी यहीं आए थे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मोस्ट वेलकम टू इस्लामाबाद। दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, इंजॉइंग लाइफ। एज यू नो दैट द रिसेंटली अरेंज शंघाई कॉन्फ्रेंस इन ISB, एज अ रिजल्ट द होल ISB वॉज डेकोरेटेड एंड लुकिंग सो ब्यूटिफुल। So, in this video, I will show you beautiful night views of ISP, beautiful decoration and much more. So, let's start this video. आप कुछ views enjoy करें, साथ में मैं आपके साथ गपशप करती हूँ। वीडियो देखने से आपको ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ISB के शशके तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, और इस डेकोरेशन के बाद तो मज़ीद एक्स्ट्रा वाले 4 चांद लग गए हैं इस्लामाबाद को। अब सीन कुछ ये है कि जब ISB को डेकोर किया गया था तो न्यूज़ ये चली थी, हाईलाइट जो किया गया था कि इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, लेकिन ये लाइन गलत है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दुरुस्त करना चाहूँगी, क्योंकि ब्राइडल अगर ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा करती है, 3 लाख उसका ब्राइडल ड्रेस पे आ जाता है, और अगर वो कंप्लीट पैकेज लेती है ब्राइडल मेकअप का, तो वो उसका ऑलमोस्ट अच्छे वाले सैलून में भी जाए, जो बहुत बड़े सैलून्स होते हैं, तो उसमें भी तकरीबन उसका 1 लाख रुपया लगता है, यानी कि दुल्हन को तैयार होने में 4 लाख रुपया लग जाता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या वाकई इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाने में 4 लाख रुपया लगा है, ये 4 करोड़, या फिर इससे भी ज़ायद। मेरे इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। अब बाकी बात करते हैं डे टाइम डेकोरेशन की। तो CDA वालों ने जल्दी जल्दी में डेकोरेशन कुछ लगते ही ज़्यादा ही करनी थी, तो उन्होंने फ्लावर जो हैं वो आर्टिफिशियल लगा दिए थे। शायद वो भूल गए थे कि ओरिजिनल लगाने थे हमने फ्रेश रोज़ेस, ताकि थोड़ी सी खुशबू भी आए। वेल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल डेकोरेशन इज़ रियली नाइस। आप अगर नाइट व्यू की बात करें तो भाई कमाल का नाइट व्यू है। लाइट्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आपकी एक ब्लैक पिन भी रोड पे गिर जाए तो वो भी इजीली मिल जाती है, इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं। वेल लाइट्स की कमी तो पहले भी ISB में नहीं थी।
क्लियर नहीं आ रहा, गाड़ी इन्होंने 200 की स्पीड पे रखी हुई है। ये हम भी यहीं आए थे। अगर आपने पिंडी इस्लामाबाद में रहते हुए भी अभी तक इस्लामाबाद का नाइट व्यू एंजॉय नहीं किया, वहाँ की डेकोरेशन नहीं देखी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप वहाँ पे जाएं, जाके विज़िट करें। आई होप आप भी मेंटली फ्रेश हो जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, रिमेंबर मी इन योर प्रेज एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन, फॉलो मी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी दाल फंस जाती है, वेल इट्स ओके, बार बार प्रैक्टिस करूँगी तो ठीक हो जाएगा। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।